हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर के आए हैं बैंकों का विलय, किस प्रकार बैंकों का विलय हुआ है आपको मैं आज बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा और अंत तक वीडियो देखने का प्रयास करें, तब ये आपको समझ में आएगा। आइए, हम आपको कुछ समय बचाने के लिए कुछ मैं लिख कर रखा हूँ, देख लें। बैंकों का विलय, बैंकों के विलय का जो शुरुआत चला, आप देखे होंगे कि राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण में पहला राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। उसके बाद के बाद की बात मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैंकों का विलय, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, ये प्रेसिडेंसी बैंक था और प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया। जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में 1934 तक काम करता रहा। ये आपका प्रेसिडेंसी बैंक, द बैंक ऑफ कोलकाता, द बैंक ऑफ मद्रास, द बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंकों को मिला करके, मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 में, और सुझाव किसका था, एडी गोरे वाला कमेटी का एक सुझाव था और उसी सुझाव पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसका, यानी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइजेशन करके 1 जुलाई 1955 को इसका नाम, इसका विलय करके इसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जिसका सुझाव था, एडी गोरे वाली कमेटी के सुझाव पे इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है निजी स्वामित्व का सरकारी स्वामित्व में बदल जाना, यानी किसी निजी व्यक्ति के हाथ में ये सारा कारोबार था और किसी, अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, उसके मालिक कौन हो गया, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब से उसके रूल रेगुलेशन से वो बैंक अपना कारोबार करेगा। 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 सहायक बैंक की स्थापना की गई, जो SBI, एसोसिएट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं। 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 सहायक बैंकों की स्थापना हुई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। आप देख सकते हैं कि ये 8 सहायक बैंकों की स्थापना हुई, जिसमें 1963 में यह बीकानेर जो बैंक था घाटे में जा रही थी, घाटे में जा रही थी। 1963 में यह बीकानेर का जो विलय हुआ, जयपुर में इसका विलय कर दिया गया। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का विलय किसमें कर दिया गया, जयपुर में कर दिया गया। और उसके बाद ये हो गया आपका एक बैंक हो गया, समझिए ये बैंक हो गया, इसका मर्जर हो गया। और उसके बाद सौराष्ट्र का आप 2008 में इसका विलय हुआ, किसमें हो गया विलय, मर्जर, यह विलय हुआ SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो गया। ये पहली बार था जब एक बैंक दूसरे बैंक में विलय हुआ, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में इसका विलय होने लगा। नेशनलाइजेशन बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंदौर का 2010 में इसका विलय हो गया, किसमें हुआ, SBI में ही हो गया। बस गए आपका ये 5 बैंक, ये हो गया हैदराबाद, पटियाला, मैसूर और त्रावणकोर 4, और ये हो गया आपका बीकानेर एंड जयपुर। इसको हम लोग बाद में जब विलय हो गया तो इसको कहने लगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर एंड जयपुर। ये एक बैंक हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। यानी SBI के अब सहायक बैंकों की संख्या कितनी लग गई, 5। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंकों की संख्या लग गई 5। अब ये 5 1 अप्रैल 2017 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर,
इन पांचों बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2017 को, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी पांचों बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2017 को किसमें हो गया, SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2017 में इन सभी सहायक बैंकों का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। अब वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक अब नहीं रह गए, और इसी के साथ BMB 1 अप्रैल 2017 को BMB BMB जिसको भारतीय महिला बैंक के नाम से हम जानते हैं, भारतीय महिला बैंक बैंक यानी 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का भी विलय किसमें हो गया, SBI में हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो गया। हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2017 में काफी परिवर्तन हुआ, इन पांचों सहायक बैंकों का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसके बाद भारतीय महिला बैंक का भी विलय 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसकी स्थापना 1913 में हुआ था, 2013 में, यानी 2013 में इसकी स्थापना हुआ और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। आइए हम इसी के साथ कुछ और आगे लेकर के चलते हैं, जिसमें कि और बैंकों का विलय कैसे हुआ और उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद 2018 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक और घोषणा की जाती है कि बैंकों का विलय और किया जाए। तो 2018 में एक घोषणा की गई, यानी 2018 में एक घोषणा की गई कि बैंकों का विलय किया जाए, बैंकों का विलय किया जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुने होंगे, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर कर दिया जाता है 1 अप्रैल 2019 को। लिए यहां पे 2018 में घोषणा किया गया कि 1 अप्रैल 2019 में बैंक का विलय किया जाएगा, बैंक का विलय होगा। किसका होगा यह भी डिसाइड कर दिया गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया जाएगा। आइए हम लिख करके दिखाते हैं इसको, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किसमें होगा, विजया बैंक और देना बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। हम 1908 यानी इसकी अगर स्थापना देख सकते हैं तो 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुआ था और मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में था। अगर ऐसे हम देखें तो यह मुख्यालय इसका बड़ौदा गुजरात में था, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ, 20 जुलाई 1908 को इसका मुख्यालय बड़ौदा यानी गुजरात में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हो गया, यहाँ इसमें हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। विजया बैंक की स्थापना को हम देखें तो 23 अक्टूबर 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, और 26 मई 1938 को, यानी 26 मई 1938 को यह देना बैंक का स्थापना हुआ था। हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को बैंक का विलय किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक
और देना बैंक का इसमें विलय कर दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। विजया बैंक की स्थापना 23 अक्टूबर 1931 को हुआ था। देना बैंक की स्थापना 26 मई 1938 को हुआ था। ये 2019 में इसका विलय किया गया। पुनः एक 2019 में एक और घोषणा सीतारमण जी के द्वारा होता है, इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा, कि चार बैंकों की स्थापना की जाए, कुछ बैंकों को मिलाकर के चार बैंक और बना लिया जाए। पुनः 2019 में अगस्त 2019 में एक घोषणा किया गया है, किसके द्वारा, निर्मला सीता रमण जो भारत के वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए, बैंकों को मजबूत बनाने के लिए एक घोषणा किया गया कि 1 अप्रैल 2020 से बैंकों का, कुछ बैंकों का विलय कर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 में इस तरह से कुछ बैंकों का विलय हुआ। मैं आपको बता दूं इस तरह से बैंकों का विलय हुआ, जैसे आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक की स्थापना इसमें विलय कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा इसमें विलय कर दिया गया यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया। हम देख सकते हैं कि 19 मई 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती, जिसका हेड ऑफिस कहाँ था, नई दिल्ली में था। इसकी जो इसका हेड ऑफिस था वो नई दिल्ली में था। और जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कहे तो 1943 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुआ था और यूनाइटेड बैंक की स्थापना 1969 में हुआ था। इसका विलय किसमें कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में। हम कह सकते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है और दूसरे नंबर का ही बैंक आपका बन जाता है पंजाब नेशनल बैंक, जो 17.95 लाख करोड़ का ये कारोबार कर रहा है, यानी 17.95 लाख करोड़ का, और 11,437 है इसकी, 11,437 इसकी शाखाएं हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किसमें कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में। यह पहला विलय इसमें हुआ और इसको मिटा कर फिर हम आपको दूसरा, ये हम कह सकते हैं ये दूसरे नंबर का बैंक है, यानी दूसरा सबसे ये बड़ा बैंक होगा, ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा ये, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला सबसे बड़ा बैंक होगा। अब मैं इसको मिटा करके पुनः इस 1 अप्रैल 2020 को और बैंकों का भी लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं केनरा बैंक, अब मैं आपको देख सकता हूँ केनरा बैंक का नाम आप सुने होंगे, केनरा बैंक एक सब नेशनलाइज बैंक था जो एक दूसरे में इसका बैंक कर दिया गया। केनरा बैंक में किसका बैंक विलय किया गया, सिंडिकेट बैंक का नाम सुने होंगे आप, सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया।
केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुआ था, 1906 जिसकी स्थापना 1906 में हुआ था, और इसका जो शाखा था बैंगलोर कर्नाटक, इसकी जो हेड ऑफिस था बैंगलोर कर्नाटक में, यानी केनरा बैंक में केवल एक बैंक का विलय किया गया जिसका नाम है सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 में हुआ था। सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था, और 15.20 लाख करोड़ का ये कारोबार कर रहा है। कितना? अगर हम कारोबार का दृष्टिकोण से देखें, कारोबार इसका है 15.20 लाख करोड़। ये 15.20 लाख करोड़ का क्या कर रहा है? कारोबार कर रहा है, और 10,324 शाखाएं, इसकी अगर शाखाएं देखें तो 10,324 शाखाओं के साथ यह काम कर रहा है, और यह भारत का चौथे नंबर का, इसको कह सकते हैं हम चौथे नंबर का यह सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले नंबर का बैंक है, और पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नंबर का बैंक है, और केनरा बैंक चौथे नंबर का बैंक है, और तीसरा पंजाब में किसी प्राइवेट बैंक का स्थान है। अब मैं आपको एक और विलय हुआ, 1 अप्रैल 2020 को ये सब विलय हो रहा है, केनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का। अब मैं इसके बाद में ले चलता हूँ नेक्स्ट जो विलय हुआ, निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा फैसला है, यूनियन बैंक का भी नाम सुने होंगे आप, यूनियन बैंक आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। यूनियन बैंक में किसका स्थापना हुआ? आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का। इसमें हम देख सकते हैं आंध्रा बैंक, और दूसरा है कारपोरेशन बैंक। आप देख सकते हैं यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई। अगर इसकी हेड ऑफिस की हम बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो इसकी मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये छोटी छोटी जानकारी हम एक साथ देने का प्रयास करते हैं ताकि आप कहीं एग्जामिनेशन में फंसे ना। 20 नवंबर 1925, ये 20 नवंबर 1925 को आंध्रा बैंक की स्थापना हुआ, और 12 मार्च आप देख सकते हैं 12 मार्च 1906 को एक कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना हुई। 1906 को हम देख सकते हैं यूनियन बैंक में किसका विलय हुआ? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसमें हो गया? यूनियन बैंक में हो गया। और जो ये भारत का पांचवा सबसे बड़ा बैंक होगा, ये भारत का पांचवा सबसे बड़ा बैंक होगा, और 14.59 लाख करोड़ का ये कारोबार करेगा। अगर हम कारोबार को दृष्टिकोण से देखते हैं, कारोबार इसका जो होगा 14.59 लाख करोड़, यानी 14.59 लाख करोड़ का ये इसका कारोबार है। और शाखा के दृष्टिकोण से देखें तो 9600 इसकी शाखाएं हैं 9609 शाखा। कभी कभी बड़ा आंकड़े मिस्टेक होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा 9609 शाखाएं हैं। कारोबार 14.59 लाख करोड़ का है। ये आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक किसमें मिला हो गया? यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919, मुख्यालय नई दिल्ली में। आंध्रा बैंक की स्थापना 20 नवंबर 1925 को, कॉर्पोरेशन का 12 मार्च 1906 को। ये पांचवा भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है, पांचवा बैंक है। और 2020 में एक और भी एक विलय हुआ, जो इंडियन बैंक का विलय हुआ। एक अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होता है। देख सकते हैं इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ? इलाहाबाद
इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ, किसमें? इंडियन बैंक का विलय हुआ, जो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ था। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय जिसको हम कह सकते हैं, मुख्यालय इसका है चेन्नई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। इलाहाबाद की स्थापना तो आप जानते होंगे 1965 में, 24 अप्रैल 1965 में, 24 अप्रैल 1965, यानी इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हो गया? इंडियन बैंक में हो गया, और इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1965 को हुई थी, और 8.08 लाख करोड़ का इनका कारोबार, इनका जो कारोबार है 8.08 लाख करोड़ का कारोबार है। शाखाएं थोड़ा सा उपलब्ध है, शाखाओं की संख्या जैसे ही हमको पता होगा आपको अपडेट करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को इन चार बैंकों में कई बैंकों का विलय हुआ, जो आप दूसरे चौथे और पांचवें और सातवें नंबर का, ये देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा सातवें नंबर का ये बैंक है, जो 1 अप्रैल 2020 को ये काल में लागू हो गया, निर्मला सीतारमण जी के प्रयास से इन सभी बैंकों का विलय हो गया। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो मेन 12 सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से बैंक हैं, और मैंने बताया कि 1919 से पहले हम कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, मतलब सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की बैंक 27 था, 19 नेशनलाइज बैंक था, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, 20 और 5 उसके सहायक बैंक थे, ये 25 बैंक थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में काम करते थे। अब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में केवल 12 बैंक काम करेंगे। इन 12 बैंकों का आपको हम नाम लिख करके यहाँ बताते हैं कि वो कौन से 12 बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अब भारत में 12 बैंक होंगे, और 12 बैंक पब्लिक सेक्टर के रूप में काम करेगा। और पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक्स कौन हैं आप देख सकते हैं आपके व्हाइट बोर्ड में है। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इस प्रकार हम देखें कि बैंकों का विलय कब, किस प्रकार, कैसे हुआ, किस में हुआ, और इस समय वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक बच रहे हैं जो भारत के अंतर्गत काम करेंगे, ये है आपके पब्लिक सेक्टर के सारे 12 बैंक। और इसी तरह से कुछ और वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर्स करें, ताकि हम नए नए वीडियो आपके चैनल पे लेकर के आते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।